अक्सर अशखास ये जानने के बावजूद कि जिंदगी आर्जी है, दौलत की हिरस में सरगर्दान रहते हैं। हजूर से दरख्वास्त है कि हमारी तसल्ली के लिए फरमावें कि क्या ये ख्वाहिश कुदरती है या कस्बी, और इस्लामी तालीम का किस हद तक इस पर असर होता है। आपके सवाल में एक बुनियादी गलती, आपने लफ्ज़ बावजूद इस्तेमाल किया है, हालांकि उसकी वजह से और ज़्यादा तमन्ना होनी चाहिए। ज़िंदगी आर्जी है तो एक ये भी घबराहट हो जाती है कि थोड़े वक्त रह गया, जितने कमा लो कमा लो, और उसके बाद किसी ने क्या पूछना है फिर, तो उसके नतीजे में भी तो हो सकता है। वाकया ये है कि इंसान की ज़िंदगी खा आर्जी हो, खा 10,000 साल की हो या उससे भी ज़्यादा, कुरान करीम ने इस मज़मून पे पहली रोशनी डाल दी है कि तमन्ना मजीद की ये इंसानी फितरत में दाखिल है, उम्र के लिहाज से भी, दौलत के लिहाज से भी। अल्लाह ताला उम्र के मुतालिक फरमाता है कि कितनी बड़ी हम तुम्हें उम्र दे दें फिर भी तुम यही कहोगे कि अभी और भी मिल जाए तो ठीक है। और इब्ने इंसान का ये हाल है कि अगर एक वादी सोने से भरी हुई उसको मिल जाए तो वो और की तमन्ना करेगा, हिर्स उसकी पूरी नहीं होती। कुरान करीम में भी इस मज़मून पर रोशनी है, अहादीस में भी कसरत से इस मज़मून पर रोशनी मिलती है, इसलिए ये फितरत का मामला है। इंसानी फितरत में मजीद की तमन्ना खुदा ने रख दी है, और ये तमन्ना उसकी तरक्की की खातिर रखी गई है। अब इसे आप चाहें तो सही रुख पर इस्तेमाल कर लें, चाहें तो गलत रुख पर इस्तेमाल कर लें। अगर ये मोटिव फोर्स होती ना तो मज़हब भी नहीं पैदा होना था। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस ताकत को अगर आप गलत रस्तों पर इस्तेमाल करेंगे तो मादा परस्ती का रुझान बढ़ता चला जाएगा और मादे की हिर्स बढ़ेगी। अगर इसको सही रुख दे देंगे तो फिर रूहानी दौलत की और इल्मी दौलत की, अल्लाह ताला से क़ुर्ब की तमन्ना ये बढ़ते चले जाएंगे, तो उनकी हिर्स बढ़ती, उनकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाएगी। इसलिए फी जाते ही ये तमन्ना बुरी नहीं है, यानी ये ट्रेंड बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फरमाइए रशीद याद, रब्दुल रशीद साहब।